गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा खन्ना व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और क्या चल रहा है आजकल? सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों के लिए बहुत सारा प्यार। सो गाइस, आज है गुन्नू मेरे साथ। हेलो। और ये अभी कितने साल की गुन्नू, तू बता अपनी एज? 9 ईयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ती है? I am in third study in class, third C. ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इनकी इंग्लिश बहुत महान है। देखा ना, एक सेंटेंस बोलने में कितनी देर लगी है, अपने बारे में बताने में। और अभी इससे पहले मैंने इसको 5 मिनट प्रैक्टिस करवाई है कि आज तू बोलेगी कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, तो ये वो भी नहीं बोल पाई। और इसको बातें करने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं है। बातें जितनी मर्जी करवा लो, जितना मर्जी घुमा लो, और जितना मर्जी इससे काम भी करवा लो, काम भी करने में ये बहुत अच्छी है। जो भी काम बोलो ये करेगी, कुछ भी काम करवा लो इससे। लेकिन बस ये है कि इसको बोल, बोल जल्दी बोल, क्या कमी है तेरे अंदर? चल तू खुद बता दे अपने मुँह से खुद बता दे क्या कमी है। नर्वस हो गई थी बोलने में। नर्वस हो गई थी? ओहो, आज से पहले तो तू कभी नर्वस नहीं हुई, बता। इसके अंदर एक कमी है कि ये सामने वाले की सुनती नहीं है, ये जल्दी 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 बोलती, इतना फास्ट बोलती है ना ये, कि अगर ये मेरे पास आती है ना तो ये 1 सेकंड के अंदर 5 बातें बोल जाती है, और मेरे को सारी ऐसे लगती है खत्म, मुझे समझ ही नहीं आता इसने बोला क्या है। सो आज हम करेंगे, हम बैठे हुए हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज गए शाम के। सो अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है फिलहाल, तो मैंने बोला कि चल गुन्नू हम यूट्यूब ब्लॉग बनाते हैं और वीडियो शूट करते हैं, तो ये उसके लिए हमेशा रेडी रहती है कि हाँ हाँ दीदी हम ब्लॉग बनाते हैं, हम रील बनाते हैं, उसके लिए ऑलवेज रेडी है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ये मुझे आंसर देगी, फिर इसके क्वेश्चन देखते कैसे होते हैं, फिर मैं इसको, मुझे तो देना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चल गुन्नू ये बता, तुझे सबसे ज़्यादा डांट कब पड़ती है घर में? घर में जब मैं अपने भाई को कभी डांटती हूँ क्या मारती हूँ ये। अब तू उसको मारती क्यों है? इसलिए मारती क्योंकि मैं गुस्सा आता हूँ। उस दिन मैंने बाल खींचे, मैंने उसका ऐसे करती हूँ मम्मी, तो चिल्लाने शुरू हो गई मम्मी। अच्छा, और जब तू मेरे पास आती है तो तेरा जाने का मन नहीं करता? ये तो सबको, आपको तो नहीं पता होगा पर मेरे को पता है ये बात, कि जब ये हमारे घर आती है तो इसका बिल्कुल जाने का दिल नहीं करता। इसके घर से 10-10, 5-5 बार कॉल आ जाती है कि गुनगुन को भेज दो भेज दो। उन लोगों को लगता है कि शायद मैंने इसे बुलाया हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये ज़बरदस्ती यहाँ बैठी है। कई बार मैं भी इसको भगा देती हूँ कि तू जाती क्यों नहीं यार, यहाँ से दिमाग खाती रहती है, लेकिन इसका जाने का मन नहीं करता यहाँ से, क्योंकि अब ये तो यही जानती है कि इसको ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है यहाँ पे। बता क्यों अच्छा लगता है यहाँ पे? क्योंकि घर पे मम्मी तो चिल्लाती रहती है और 2-2 सेकंड में डांट सुननी पड़ती है, और फिर मेरा मन नहीं लगता मेरे साथ ना कोई खेलने वाला, और बातें करने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं क्या तेरे साथ खेलने वाली हूँ? मेरे बातें करने वाली हो ना? मैं तेरे से बातें करने वाली हूँ? मेरे पास इतना टाइम होता है तुझसे बात करने का? काम करते करते कर ले। मैं तो इसकी बातों का जो जवाब देती हूँ ना, वो भी मेरे को बस देना पड़ जाता है कि ये एक चीज़ को बार बार पूछेगी तो बोलना तो पड़ेगा ना कि ये हाँ चल ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। लेकिन अभी तो ये 2-3 दिन जब से इसके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, जन्माष्टमी वाले दिन से ये मेरे पास ही है, और जन्माष्टमी थी 7 को और आज 9 है, 2-3 दिन हो गए इसको पूरे, ये 3 दिन से मेरे पास ही है। बस थोड़ी देर अपने घर जाती है नहाने के लिए, खाना खाने के लिए भी लंच का तो इसका यही हो जाता है, डिनर में कभी कभी चली जाती है अपने घर पे, वो भी घर वालों के बहुत ज़्यादा बुलाने पे। तो आज मैं इसे कुछ क्या क्वेश्चन पूछूँ आज तेरे से, बता भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन है वो पूछूँ? चल ये बता, तेरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? किस चीज़ में? खाने में या कोई भी एक्टिविटी, कोई ऐसी कि डांस करना या खेलना कूदना पढ़ाई करना, तेरी हॉबी क्या है बता? हॉबी तो डांस करना है मेरी, पर अब से मैं जब से दीवांशी से मिली हूँ देखो बहुत क्यूट लगती है वो। तो अब तेरी हॉबी वो बन गई? हाँ। देवांशी तेरी हॉबी हो सकती है कभी? नहीं ये मतलब तो नहीं है। तू अब क्या चाहती है कि बार बार तू देवांशी से मिलती रहे? बहुत क्यूट लगती है वो मेरे को।
दिवांशी का मेरी स्टूडेंट है जिसको मैं होम ट्यूशन देने जाती हूँ, तो ये एक दिन मेरे साथ उसके घर गई थी, और जिस दिन से ये दोनों मिली है ना एक दूसरे से, तो वो डेली इसके लिए बोलती रहती है उसके पास जाती हूँ तो, और इसके पास आती हूँ तो ये उसके लिए बोलती रहती है। मतलब आज उसने मेरे लिए चॉकलेट भी भेजी है। मतलब एक दिन में इन दोनों को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए, वो इससे मिलना चाहती है और ये उससे मिलना चाहती है। बट ऐसा पॉसिबल होता है, बट कभी कभार बहुत कम चांसेस होंगे कि ये लोग मिलेंगे, क्योंकि वो घर में रहती है और वो इसकी तरह इतना घूमती नहीं है। इसको तो पूरा दिन घुमा लो, इसको तो जहाँ भी बुला लो पहुँच जाएगी ये। ये हमारे गली का घर का चलता फिरता न्यूज़पेपर है ये, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, कुछ भी गली मोहल्ले में कुछ भी कहीं भी कुछ भी हुआ है, ये आके आपको घर बैठे सारी खबर दे देगी। दीदी वहाँ पे ये चल रहा था, वहाँ पे ऐसे हुआ था, फिर मैंने ऐसे बोल दिया, फिर उसने वैसे बोल दिया, फिर ये बात हो गई, फिर लड़ाई हो गई, फिर ये करके आ गई मैं, ये ऐसी है। अब तू ये बता कि स्कूल में तुझे सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, और कौन सी टीचर का पढ़ाया हुआ कौन सा सब्जेक्ट तुझे सबसे ज़्यादा समझ आता है? सबसे ज़्यादा मेरे को अपनी मैथ्स वाली सब्जेक्ट्स मैथ्स पसंद है, और मैथ्स वाली मैम है वो ऐसा समझाती है जो कि समझ ही नहीं आता, फिर जो कुछ घुसता ही नहीं है। तो फिर मैथ्स कैसे पसंद है जब समझ ही नहीं आती? तो हमें ट्यूशन वाली समझाती है वो वाला चैप्टर। अच्छा, तो तुझे टेबल्स कहाँ तक आते हैं? टेबल कम से कम मेरे को आते अभी सिखाए हैं, अभी तो गिन ही रही हूँ, अभी तक 11 तक है। देख लो इतना बुरा हाल है कि ये भी नहीं पता कि टेबल्स कहाँ तक आते हैं। मेरे तो 11 तक। चल तो तुझे 11 तक आते हैं ना, तो तू ऐसा कर मुझे 9 का टेबल सुना दे। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 80। देख लिया, प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखो, 28। सारे इसके जैसे नहीं होते, लेकिन यही ऐसी है, सारे बच्चे इसके जैसे नहीं होते, यही ऐसी है। बता बता जल्दी, 9 का टेबल गायब हो गया दिमाग से। चल अच्छा ये बता, ये बता कि तू नानी के घर गई थी, तो तूने वहाँ पे क्या क्या किया राखी पे? बड़े बड़े घर है हमने तो, मैं गई पहले, सबसे पहले हमने पहले मामा जी नाना जी के सबके पैर छुए, जाके फिर हमने पानी वानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी बैठे हमने राखी के साथ। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी और वोल्ड ड्रिंक भी पी, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी। आगे बता। फिर हमने राखी की थाली सजाई, फिर हमने राखी बांधा, राखी बांधी, फिर मम्मा को मामा जी ने बहुत अच्छा इतना मस्त मस्त एक सामान वो गिफ्ट दिया था, अभी तक मम्मी ने अभी तक उसको इनबॉक्स ही नहीं करा, अभी तक नहीं किया। ऐसा क्या दे दिया जो तूने अभी तक खोल के भी नहीं देखा? पता है मम्मी के पास अभी ये तो वो वाला हाल कर रही है जो यूट्यूबर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा फेमस, जिनके पास डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, उन लोगों को अपने गिफ्ट खोलने का टाइम नहीं होता। इसने तो वैसा ही कुछ सीन कर दिया कि एक गिफ्ट मिला वो भी आज तक अनबॉक्स नहीं किया, क्योंकि मम्मी के पास मम्मी ऊपर रख के रखा रखा है, पता नहीं क्या है उसके अंदर, क्या है पता नहीं, नहीं पता। तो आज तू यहीं पे लेके आ जाती, अपन खोल के देख लेते क्या था उसमें। मेरे को पता ही नहीं उसके अंदर है क्या, और वो मेरे को लगता है कि अंदर लॉकेट वॉकेट ये सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को तो नहीं पता इतना लंबा इतना सा था। अच्छा चल ये बता, जब तू मेरे पास आती है और तू जब यहीं पे रहती है और तेरे घर से जब 3-4 बार 5-10 बार कॉल आ जाती है तुझे बुलाने के लिए कि गुन्नू को भेज दो, गुन्नू को भेज दो, जब तू घर जाती है तो तेरा स्वागत कैसे होता है घर पे? वो बता, सच बताइए, हो झूठ नहीं, झूठ नहीं, सच बिल्कुल। मैं जाती हूँ फिर सब बात बताती हूँ, मम्मा मैं इसलिए गई थी, ये काम कर रहा मैंने, ये 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 ये। तू अपनी बात मत बता, वो लोग तेरा स्वागत कैसे करते हैं घर में घुसते हैं, तू वो बता। वो तो भाई जाते ही क्यों गई थी, क्या हो गया था जाने का, ये तो चिल्लाते हैं मेरे पे। और क्या बोलते हैं? जब मैं जाती हूँ तो फिर चिल्लाने लग जाते हैं, फिर जब मैं साफ बताती हूँ तो बोलती है अच्छा अच्छा पहले नहीं बता सकती थी, डांट सुन ली बेफालतू में, मेरा भी मूड खराब कर दिया, बाहुली छोरी है ये तो, बाहुली छोरी है ये तो। अच्छा और ये बता गुन्नू, जैसे मान ले कभी तेरे घर वाले कहीं घूमने जाएं, हाँ, और सिर्फ तुझे घर पे छोड़ जाएं, तो तू
उनके जाने के बाद तेरे तो मजे तो हो ही जाएंगे कि तुझे फुल फ्रीडम मिल जाएगी घूमने की, खाने पीने की, अपने मन की करने की। तो तू सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा काम तेरे को पसंद है जो तू सबसे ज्यादा करेगी उनके जाने के बाद? मतलब तेरे को फ्रीडम मिलने के बाद तू सबसे ज्यादा क्या करना चाहती है ये बता दे। उनके बाद जाने के बाद घर खराब होता घर सेट करके अच्छे से एसी ऑन करके सोफे में बैठ के आराम से टीवी ऑन करके खाना खाऊंगी आराम से बैठ के। ये मेरे को मजा आता है चीज में। खाने में क्या खाएगी वो बता। घर में अब जो पड़ा होगा वही तो खाना पड़ेगा। ये थोड़ी ना पहली बात तो खाने को ऐसे नहीं बोलते पड़ा होगा, खाना हमेशा रखा होगा। खाने को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि खाना है तो सब कुछ है। ठीक है, खाना रखा होगा तो फिर वही खाना पड़ेगा। खाना रखा होगा तो वही खाना पड़ेगा, और नहीं होगा तो मैगी बना के खा लेंगे उसमें। हाँ, मैगी भी तो बना ही सकती है ना। मैगी तो पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, फिर से बोल रही है रखी खाना रहती तो है। वो मतलब मैगी तो रखी रहती है। अच्छा ये बता, आलू भी होती तो मैं आलू को कट करके उसको फ्राई कर लेती हूँ। अगर तेरे घर वाले तुझे फुल फ्रीडम दे दे कि गुन्नू तेरा जो मन करता है तू वो कर, जा पूरे दिन घूम कुछ भी कर, तो तू सबसे ज्यादा कहाँ घूमेगी ये बता। मैं घूमने की बात चाहूँ तो मेरा हाथ दुख गया यार फोन को पकड़े पकड़े। सबसे ज्यादा मैं जाऊँ तो मेरा मन हो तो ना मैं दीवानशी से मिलने जाऊँ। और अगर दीवानशी के घर वाले तेरे को एंट्री ना दे तो अंदर फिर क्या करेगी बता? उसको बाहर बुला लूंगी आपको आपसे फोन। अगर उसे वो बाहर आना अलाउ ना करे तो क्या करेगी? फिर मैं बालकनी में जाऊंगी, बालकनी में मिल जाएगी। हाँ वहाँ जहाँ से वो डेली बाय करती है ऊपर खड़ी होगी। यार आज तो मैंने देखा ही नहीं उसको। दीवानशी है ना जिसे मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो जब मैं पूरा मतलब स्टेट से नीचे आ जाऊँगी और रोड पे मेन रोड पे आ जाऊँगी तो उसकी छत दिखती रहती है, तो वो जीने से खड़ी होके मेरे को बाय करने के लिए पीछे से खड़ी रहती है। तो मैं जब तक उसको पीछे से एक बार देख के ऐसे बाय नहीं करूँगी तब तक वो अंदर नहीं जाएगी। और आज मैं देखना पता नहीं भूल गई है, मैंने देखा था वो थी नहीं शायद। हाँ वो थी नहीं शायद आज। तो इसको मैंने देवांशी से एक बार ऐसा क्या मिलवाया कि इसका मन है उसी से डेली डेली मिलने का। मतलब ये दोनों जिगरी दोस्त बन गए एकदम बढ़िया वाले दोस्त। मैं आज उसको पढ़ाने गई थी तो मैंने वो बोला कि ठीक है देवांशी अब मैं जा रही हूँ आप होमवर्क कर लेना। तो उसने मुझे क्या बोला, मैम ऐसा करो एक चॉकलेट तो आप खा लो और एक चॉकलेट तो आप गुन्नू के लिए ले जाओ मेरी साइड से। तो मैंने बोला अच्छा वो तेरी फ्रेंड है? तो बोल रही हाँ वो मेरी फ्रेंड है अच्छी वाली। तो मैंने बोला फिर मैं कौन हूँ? आप तो मेरी फ्रेंड हो ही, पर वो भी तो इतनी अच्छी फ्रेंड है मेरी। तो मैंने बोला कि कल से वो ही पढ़ाने आ जाएगी तेरे को, उसी से पढ़ लियो। तो बोल रही है कि फिर आप भी तो आओगी ना? मैंने कहा नहीं मैं क्यों आऊंगी जब वो आएगी। तो बोल रही है आप भी आ जाना यार, उसको भी ले आना कोई बात नहीं, मैं उससे पढ़ लूंगी वो और अच्छा पढ़ाएगी। मतलब उसको इतना भरोसा है कि वो सेकंड में है और ये थर्ड में है, तो थर्ड क्लास वाली उसको ज्यादा अच्छा पढ़ाएगी और मैं उसको बुरा पढ़ा रही हूँ, ऐसा उसको लगा कि वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगी क्योंकि मजे मिलेंगे ना करने को। इसलिए सही बात है भाई, सही बात है। मैंने तो तुम दोनों को बढ़िया मिलवाया। एक बात है तेरी फ्रेंड लिस्ट में एक फ्रेंड और बढ़ गई और उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी एक फ्रेंड और बढ़ गई। मेरी जो भी फ्रेंड लिस्ट में है ना सारी चुड़ैल चुड़ैल, ये सबसे कितनी गंदी बात है भाई, तू तो नागिन है डसने वाली। ये तो अपने दोस्तों को भाई इसकी इससे दोस्ती मत करना। देवांशी अगर तू भी ये वीडियो देखेगी तो समझ जाइए कैसी नागिन है। थोड़े दिन बाद तेरे को भी बोलेगी, थोड़े दिन बाद तेरे को भी बोलेगी कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में जो भी वो चुड़ैल है चुड़ैल। नहीं दीदी भाई अपने दोस्तों को मानते हैं कि अपने दोस्तों को कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों में तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और के सामने अपने दोस्तों को कुछ भी बोल दे और वो भी यूट्यूब ब्लॉग पे हम कुछ भी बोल दे अपने दोस्तों को, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। चाहे वो देख रहे कुछ भी कर रहे मेरे को इतने गंदा लगते हैं वो। मैं दो दो लिस्ट बना रखे गुड एंड बैड, उस जो भी होगा बैड के अंदर वो तो आप समझ जाओ और गुड के अंदर जो भी होगा वो कैसे समझेंगे वो, उनको क्या पता तेरे दोस्त कौन से हैं। बहुत सारे दोस्त है इसमें, बहुत सारे दोस्त एक ये तो गुड में है वो दीवानशी और मैं और एक टीना और एक आप। मैं कौन हूँ? आप सेकंड पे हो, फर्स्ट पे दीवानशी और थर्ड पे टीना। अच्छा ये बता जब मैं तेरे को डांटती हूँ या मारती हूँ तो तेरे को कैसी फीलिंग आती है, तेरे मन में कैसा फील होता है? मेरे को ये लगता है आधी दिन मारा फिर दीदी घर में जाऊंगी ही नहीं, फिर मैं आ जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, ये अपने भाई को लेके आई थी, इसका भाई अभी बहुत छोटा है
तो उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को घर पे, तो मैंने इसको बोला हुआ है जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो तू मत आया कर, कि बच्चे है ना इससे बातें करने लग जाते हैं फिर मेरे को डिस्टर्ब होता है और बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। तो मैंने इसको कई बार समझा दिया, लेकिन ये आएगी उसी टाइम जिस टाइम मेरे बच्चों का ट्यूशन चल रहा है। तो ये आई उस टाइम पे और अपने भाई को भी ले आई उस दिन। तो इसका भाई है भी छोटा, वो पहले क्या कर रहा है टेडी बियर की तरफ इशारा करके, वो अंदर देखो मेरे टेडी रखे हुए हैं, तो पहले वो टेडी बियर की तरफ इशारा करके टेडी मांगने लग गया। तो उसको हमने छोटा वाला टेडी उतार के दे दिया। अब वो टेडी लेने के बाद वो जैसे शोर मचाए ऐसे ऐसे खेल रहा था, वो जैसे शोर मचाए तो इसको लगे दीदी तो मेरे को अब डांटेगी क्योंकि दीदी को डिस्टर्ब हो रहा है, ये क्या कर रही, बार बार उसका मुंह दबा रही और बहुत तेज दबा देती, उसका ना सांस रुक जाता और वो बच्चा है ना एकदम आंखें ऐसे बाहर निकाल लेता। तो मेरे को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा इसको देख के। मैंने क्या किया इसके उस दिन 2-3 चांटे लगा दिए खिंचा खिंचा कर। मेरे को उस दिन इतना गुस्सा आया कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इसको ऐसे गुस्से में मारा और मुझे लगा अब तो ये ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं। इसके जाने के बाद ना मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा, मैंने इतनी तेज़ मार दिया, मम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा कि तूने उसको इतनी तेज़ मार दिया, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, वो बच्ची है ये है वो है। तो मैंने बोला कि वो उसका बार बार मुँह क्यों दबा रही थी, वो छोटा बच्चा है अभी उसको लग जाएगी या कुछ भी है। तो मम्मी ने बोला अब देखियो वो कभी भी नहीं आएगी तेरे पास, देखियो तो तू वैसे तो उसको बुलाती रहती है गुन्नू आ जा और अब वो कभी नहीं आएगी। और जब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन है ना इसकी बुआ आई हुई थी, तो संजू दीदी हमारे घर पे बैठी हुई थी, तो ये है ना अपनी बुआ को बुलाने के बहाने टपक गई उस दिन, बुआ चलो आपको दादी घर पे बुला रही है। उस दिन ये ऐसा आई और बैठ गई फिर यहीं पे। मैंने बोला यार ये तो दोबारा सही है, ये तो बुरा भी नहीं मानती। उस दिन फिर आ गई, बात बात करने लगी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, इसको भी कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। जब इसको पिटने के बाद बुरा नहीं लगा तो मुझे भी लगेगा भाई मेरी क्या गलती है। सही बात है, पिट के चलेगी। लेकिन तू ये बता तूने घर पे किसी को तो बताया होगा ना, किसी को नहीं बताया कि तू पिट के आई है? फिर आने नहीं देती आपके पास। क्या बोलती? बोलती वहीं पिटने जाती वहीं पे जाती दोबारा ऐसे बोलती। और देखो वैसे है ना इसकी मम्मी इसकी दादी सब मेरे को क्या बोलते हैं, इसकी हरकतें बहुत गंदी है, ये जबान लड़ाती है, ये ऐसे करती है, तू इसको मारा कर। और उस दिन इसको मार दिया तो क्या कह रही है कि अगर मैं घर पे बता देती तो वो लोग मुझे आने ही नहीं देते। देख रहे हो घर वाले कैसे गेम खेलते हैं, पता लग रहा है ना आपको, समझ रहे हो ना। चलो गाइस बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर ना तुम लोग देखते भी नहीं हो, बोर होने लग जाते हो, इसलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी। ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और भाई प्लीज 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 इस वीडियो को कम से कम 1 मिलियन तक पहुँचाना। 1 मिलियन तक पहुंचाना गाइस, 1 मिलियन तक पहुंचाना। हाँ, फिर आपको दीवानशी से मिलाएंगे यहीं पे इसी व्लॉग में। बाय बाय गाइस। क्या बात कर दी भाई, चलो ठीक है गाइस। दीवानशी को देखना है दीदी व्लॉग, दीवानशी को आपको दिखा दिया मैंने, अगर नहीं देखा तो लास्ट वाले व्लॉग में जाके देखो, एक दिन पहले ही जो अपलोड किया गया उसमें दीवानशी की ही पूरी वीडियो है। सो गाइस मिलते हैं, बातें करनी है तो फिर आपको 1 मिलियन करने पड़ेंगे। एंड कर दूं वीडियो को? यस, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, नए व्लॉग में मिलते हैं जल्दी। बाय, टेक केयर।